आरआरबी क्लर्क का मेन एग्जाम देना है, आप बड़े चिंतित होंगे कि आपका स्पीड बहुत कम है और स्पीड को लेकर के आप सोच रहे होंगे कैसे बढ़ाएं। डोंट केयर, स्पीड समस्या नहीं है, इतना समय है कि जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं वो आप ले लेंगे। कंसंट्रेट किस पर करना है? कंसंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट पर। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, लीजिए, लेकिन जितने आज तक आपने यूज़ किए हैं उतने ही लीजिए, नए फॉर्मूले नहीं, नहीं तो डिपेंडेंसी आपको टेंशन देगी। कंसेप्ट मूल है। मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि आपने किसी चैप्टर को कितने से अच्छे से समझा है ये टेस्ट हो जाए। तो अभी आपको अंतिम समय में क्या करना है, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, नॉलेज तो आपको है, प्री आपने क्वालिफाई किया है, उन चैप्टर्स में जाकर के डेप्थ के 15-20 क्वेश्चन बनाइए। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेज उठाया, उसके 20 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के बनाए, समझा उसकी टेक्निक को, समझा, बनाया हुआ आपका है ही, मॉडरेट क्वेश्चंस को भी आपने बनाया हुआ है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस बना लीजिए। कौन से क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पकड़िए और चैप्टर वाइज 20-20 क्वेश्चंस आप बनाइए। इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल एजेस के क्वेश्चंस टफ मॉडरेट कैसे बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप के मॉडरेट क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते, मेथड ऑफ एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हर चैप्टर का कम समय में 20-20 क्वेश्चन कर लेने पर टफ मॉडरेट लेवल का आपका जबरदस्त, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और तब आपको कंसंट्रेट करना है मैथमेटिक्स में DI पर। ठीक इसी तरह से रीजनिंग में पजल्स जो आपने बनाए हैं उन्हीं का दोबारा रिवीजन कीजिए, किसी नए पजल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट पार्ट जो रीजनिंग का है उसको आप कीजिए और दूसरे सेक्शन में भी आपको ऐसा ही करना है। मूल बात है पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस रखना है, आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई के बदौलत आपने प्री क्वालिफाई किया है, आप में क्षमता है। प्री और मेंस में उस तरह का डिफरेंस नहीं होता, जस्ट थोड़ा डेप्थ का डिफरेंस होता है और आप जीतने जा रहे हैं। बस अब जो लड़ाई है अंतिम समय में कैंडिडेट्स के बीच वो किसकी है, कॉन्फिडेंस की लड़ाई है, कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। इसको आपने समझ लिया तो बस विजय आपकी है। ऑल द बेस्ट।